हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ABEO एग्जाम के लिए टेस्ट नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये आपका यूनिट 1 का टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज के बीच संबंध। इसका हम आज कुछ MCQ प्रैक्टिस डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ABEO एग्ज़ाम का पेपर 2 के लिए कोर्स है। यदि आप इच्छुक हैं इस कोर्स में एनरोलमेंट करवाने के लिए तो आप हमें दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें कॉलिंग की भी व्यवस्था है, तो आप इसमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आपको जिस भी प्रकार की कोई भी यदि जानकारी इस पेपर 2 या इस एग्ज़ाम कोर्स से रिलेटेड यदि आपको कोई चाहिए तो चलिए फिर हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें देखना है कुछ MCQs। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा MCQ का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज इज लॉ, एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन है कानून, शिक्षा, सार्वभौमिकीकरण, आधुनिकीकरण। बताइए सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन क्या है, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट क्या है सोशल चेंज का। तो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट क्या है सोशल चेंज का, शक्तिशाली साधन है सामाजिक परिवर्तन का शिक्षा। क्या है शिक्षा, एजुकेशन इज द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। आई होप आपने भी यही बताया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज अ स्पेसिफिक कंसर्न ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एंथ्रोपोलॉजी ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, नन ऑफ द अबव। शैक्षणिक संस्थानों में शामिल समाजशास्त्रीय प्रक्रियाओं का विश्लेषण निम्नलिखित में से किसका एक विशिष्ट सरोकार है, शिक्षा का नृविज्ञान, शिक्षा की राजनीति, शिक्षा का समाजशास्त्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस, समाजशास्त्रीय प्रक्रियाओं का विश्लेषण किसका विशिष्ट सरोकार है। तो समाजशास्त्र शिक्षण संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में शामिल समाजशास्त्रीय प्रक्रियाओं का विश्लेषण किसमें होता है। तो यहाँ से हमें दो शब्द को पकड़ना है, एक तो शिक्षा पकड़ लिए हम, शैक्षणिक संस्थान बोला गया, और एक ये हम समाजशास्त्र पकड़ लिए, ठीक है, समाजशास्त्री। केवल इसमें कीवर्ड हमारा क्या बनेगा, एक तो सोशियोलॉजी बना और दूसरा क्या है हमारा एजुकेशन बना, ठीक है, एजुकेशन। तो यानी कि यहाँ पे यदि आप देखेंगे, यहाँ पे आपसे सोशियोलॉजिकल प्रोसेस बोला है, यहाँ पे एजुकेशन बोला है। बस हमें इतना कुछ अपने दिमाग में बर्डन नहीं डालना है कि आखिर ये क्या है, हमें बस ये समझना है अच्छा ये टॉपिक कौन सा है। जब एग्ज़ाम में, अभी तो हमको पता है कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, तो यहाँ पे तो आप आसानी से निकाल लोगे कि अच्छा ये दो कीवर्ड है तो ये डेफिनेटली सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का समाजशास्त्र है, यहाँ पे तो आप निकाल लिए। लेकिन क्या एग्ज़ाम में भी वो बता देंगे क्या आपको कि ये हमने ये वाले एरिया से दिया है, तो एग्जामिनर तो आपको नहीं बताएंगे, आपको अपने से दिमाग लगाना है। वहाँ पर आप अपने से दिमाग वहाँ पे कैसे लगा सकते हो, आप ऐसे लगा सकते हो आपको कीवर्ड, जैसे कि मैंने आपको हर एक सेशन में आपको सिखाया है कि आप हमेशा ना कीवर्ड पे ध्यान दिया करो कि इसमें ना ये पूछ क्या रहे। जैसे आपके दिमाग में कीवर्ड आया तो आप ना सबसे पहले, आप ये पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मेरी एक ट्रिक हमेशा याद रखना, पेपर के लिए आगे प्रोसीड करने से पहले तो सिलेबस आपको बाई हार्ट होना चाहिए, सिलेबस पूरा आपको रटा हुआ होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कहाँ पे क्या मेंशन है। जब आपको ये अपना सिलेबस याद हो गया ना, उसके बाद में आप आसानी से निकाल सकते हो केवल और केवल कीवर्ड से। अच्छा शैक्षणिक संस्थान बोल रहे हैं क्षमा, अब ये छोड़ दीजिए कि वो किसके विश्लेषण की बात कर रहे हैं, किसके एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल एक्सपैंड किया जाता है स्टेटमेंट को, केवल और केवल एस्पिरेंट्स को घुमाने के लिए कि कहीं कि आप लोगों को थोड़ा विचार करना पड़ जाए।
लेकिन आपको क्या याद रखना, हमेशा याद रखना, आपको केवल बाय कीवर्ड जाना है और कीवर्ड से यहाँ पे आंसर क्या बनता है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाजशास्त्र। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या होती है, शिक्षा का समाजशास्त्र क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, एंड दिस इज अवर टॉपिक। आज के MCQ का टॉपिक क्या है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। शिक्षा का समाजशास्त्र क्या होता है, तो शिक्षा का समाजशास्त्र होता है या शिक्षा और समाज के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, यही तो पूछा गया था आपसे। और देखिए इसके बारे में क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। यह समाज के आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताकतों के संबंध में शैक्षिक उद्देश्यों, विधियों, संस्थानों, प्रशासन और पाठ्यक्रम से संबंधित सामाजिक विज्ञान की ये क्या है, शाखा है। इट इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, सोशियोलॉजी आया है, इसका मतलब ये क्या है, सोशल साइंस से रिलेटेड है, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। बिल्कुल, करता क्या है इसमें, होता क्या है, तो कंसर्न्ड विद एजुकेशनल एम्स। यहाँ पे आपसे क्या बोल दिया गया, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। जब शिक्षा का समाजशास्त्र है तो उसमें डेफिनेटली क्या होने वाला है, उसमें तो शैक्षिक उद्देश्य शामिल होंगे, फिर उसमें मेथड्स होंगे कि प्रक्रिया क्या होती है, तो बिल्कुल वो तो होंगे, फिर उसके बाद में इंस्टीट्यूशन, संस्थान होंगे, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, कैरिकुलम, पाठ्यक्रम होंगे, और ये सब आपके लिए कहाँ उपयोगी होते हैं आप बताइए, तो आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्रों में होते हैं कि नहीं, तो उसका अध्ययन है क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसका अध्ययन कहाँ पे किया गया, तो शिक्षा के समाजशास्त्र में किया गया। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, हम आगे बढ़े। आगे क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट रेफर्स टू द टू वे रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। कौन सा कथन शिक्षा और समाज के बीच दो तरफा, आपको ध्यान क्या देना है, दो तरफा संबंध को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, स्कूल समाज का एक लघु है, विद्यालय समाज का प्रतिबिंब है, समाज के मानदंडों और मूल्यों का प्रसारण, स्कूल खुद को फिर से बनाने के लिए समाज द्वारा बनाया गया है। विच स्टेटमेंट रेफर्स टू द टू वे रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। द स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, द स्कूल इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटीज नॉर्म्स एंड वैल्यूज, द स्कूल इज क्रिएटेड बाई सोसाइटी टू रिक्रिएट इटसेल्फ। बताइए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा आंसर हमारा, दो तरफा आपको कहाँ से पता चल रहा है, दो तरफा संबंध कैसे पता चलते हैं हमें कि शिक्षा और समाज के बीच में दो तरफा संबंध है। अब आप दो तरफा मतलब आपको इतना तो पता है ना, इसका मीनिंग आप जानते हैं कि नहीं, दो तरफा यानी कि आदान प्रदान हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है, इधर से भी हो रहा है और इधर से भी हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपसे क्या बोला जा रहा, दो तरफा संबंध किसके बीच में आपको बताना है, शिक्षा और समाज के बीच में आपको दो तरफा संबंध बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। अब पढ़ो, एक एक करके पढ़ो। द स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, स्कूल समाज का एक लघु है। बिल्कुल, जो हमें समाज में जो घटित हो रहा है वो हमें स्कूल में हम पढ़ रहे हैं। आप इसको पढ़ रहे हो कि नहीं, ये पूरे ये आपने सिलेबस को पढ़ रहे हो और ये सिलेबस आपके जीवन से क्या, अब आप RTE पढ़े, ठीक है, आपने शिक्षा का अधिकार पढ़ा, ये तो कानून है, लेकिन आपने पढ़ा कि नहीं इसको, बिल्कुल पढ़ा। कहाँ लागू होता है ये शिक्षा का अधिकार, समाज में, शैक्षिक संस्थानों में लागू होता है। आपने पढ़ा तो आपने क्या किया, आपने शिक्षा ली, आपने ली ना, बिल्कुल ली आपने शिक्षा, तो लेकिन वो किसके बारे में ली, जो समाज में हो रहा है, जो गतिविधियां जो समाज में हो रही है आपने उससे ली, यानी कि स्कूल क्या है, समाज का एक लघु है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, विद्यालय समाज का प्रतिबिंब है, बिल्कुल, फर्स्ट स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, स्कूल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सही है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्कूल से हमें समाज के मानदंडों और मूल्यों का प्रसारण मिलता है, यानी कि वो शिक्षा हमें क्या देती है, तो समाज के मानदंडों और मूल्यों का प्रसारण करती है ये, कि समाज में क्या क्या मानदंड है, उसके क्या क्या मूल्य है, क्या क्या मूल्य है। एजुकेशन ट्रांसमिट्स सोसाइटीज नॉर्म्स एंड वैल्यूज, क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटीज नॉर्म्स एंड वैल्यूज, मतलब क्या है, समाज के मानदंडों और मूल्यों का प्रसारण किया जा रहा है,
किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे शिक्षा के द्वारा हमें समझना है। यहाँ पे क्या बोला गया, शिक्षा के द्वारा समाज के मानदंडों और मूल्यों का प्रसार बिल्कुल किया जा रहा है। अब आपको गुस्सा आया, अब क्या गुस्से में आप किसी को मार डालोगे? क्या नहीं मार सकते ना, आप समाज में रह रहे हो, आप समाज में रह रहे हो, आपको सामाजिक परिवेश के साथ में अपने आप को ढालना है, जो कानून है उसकी तरीके से आपको चलना है। तो बिल्कुल आपको क्या चीज़ को फॉलो करना है, मानदंड मानदंड और मूल्यों को आपको फॉलो करना है। कहाँ से आपको पता चला कि आप किसी को मार नहीं सकते? कैसे पता चला कि आप किसी की हत्या नहीं कर सकते? तो आपने सुना, पढ़ा, जाना, बिल्कुल शिक्षा के द्वारा ही तो पता चला आपको, बिल्कुल पता चला। फिर उसके बाद लास्ट शीट में क्या लिखा है, स्कूल खुद को फिर से बनाने के लिए समाज द्वारा बनाया जाता है। यानी कि स्कूल को कौन क्रिएट किया? समाज ने क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? जिससे उसमें हमें क्या पता चलता है, स्कूल में हमें क्या पता चल रहा है कि समाज कैसा है। आपने सिविक्स पढ़ा है, सबने पढ़ा है, क्लास सिक्स में पढ़ा है आपने, बिल्कुल पढ़ा है, सोशल में रहता है, ठीक है, उसमें आपने स्टार्ट किया था, वहाँ से आपने पढ़ना, तो इसका मतलब आपने समाज के बारे में तो पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दो तरफा कैसे संबंध, कि समाज ने क्या किया, स्कूल का निर्माण किया, स्कूल में क्या होता है, समाज की शिक्षा मिलती है, मिलती है कि नहीं, तो दो तरफा संबंध कैसे पता चला, यहाँ से पता चला। अब मैंने इतने स्टेटमेंट्स आपको क्यों बताए, जब जब आंसर ये था तो मैं डायरेक्टली आंसर पे क्यों नहीं आई, ये तीन स्टेटमेंट मैंने आपको क्यों डिफाइन किए, इसलिए मैंने डिफाइन किए, यदि ये नहीं भी लिखा होता और यहाँ पे लिखा होता ऑल ऑफ द एबो, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबो, तो भी आपका आंसर क्या बनता, डी बनता। इसका मतलब ये तीनों ही सही है, लेकिन ये तीनों साथ में जो जोड़ करके ये लास्ट वाली स्टेटमेंट को बनाते हैं। समझ में आ रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये तीनों यदि हम साथ में मिला देते तो ये क्या आता, यही आता। देखिए समाज क्या, स्कूल क्या है, समाज का एक लघु है, प्रतिबिंब है, शिक्षा से हमें सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का प्रसारण प्राप्त मिलता है, वो प्रसारित करती है शिक्षा कि समाज के क्या मानदंड और मूल्य है। इसका मतलब समाज ने किसको स्थापित किया है, स्कूल को, किस लिए, कि वो क्या, स्कूल से हमें क्या पता चलता है, समाज के बारे में पता चलता है। इसलिए मैंने, यानी कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यदि एक साथ लिखे होते तो सही होते, लेकिन अलग अलग में सही यहाँ पे नहीं है, अलग अलग दिया गया है इसीलिए नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या बना हमारा, डी बना। अब आप ये बताइए, ये जो दो स्टेटमेंट है किसने कहा है, ये ऐसी सेट कर दिया क्या, ऐसी सेट कर दिया गया है यहाँ पे, दो तरफा संबंध, टू वे रिलेशनशिप, ऐसी सेट किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। इसका मतलब ये किसने कहा है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जॉन डेवी ने, ये जो पहले दो स्टेटमेंट थे कि समाज लघु है और प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब और किसके बारे में, लघु के बारे में, किसने बताया है, तो जॉन डेवी ने बताया है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट को पढ़िए, ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटीज नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ये किसने बताया है, तो ये एमिल दुर्खीम ने बताया है। किसने बताया है, एमिल दुर्खीम ने बताया है। और उसके बाद जो है हम कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि इसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है, कि समाज, स्कूल इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी टू रिक्रिएट इटसेल्फ। इसका मतलब कि ये शिक्षा और समाज के दो तरफा संबंध के बारे में दर्शाया। आई होप क्लियर हुआ होगा, कहीं पे कुछ ना क्लियर हो तो वीडियो को रिपीट करके सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि एग्जाम में दो तरफा संबंध, यानी कि दोनों तरफ से, दो तरफा मतलब आप क्या समझते हैं, दो तरफा मतलब कि आपने भी दिया उसने भी दिया, बस यही है ना। तो समाज ने शिक्षा, समाज ने स्कूल को स्थापित किया और स्कूल क्या दे रही है, समाज की शिक्षा दे रही है, दो तरफा, टू वे रिलेशनशिप यही होता है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज अ सब सिस्टम ऑफ अ सोशल सिस्टम बिकॉज इट प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज दैट सोसाइटी हैज टू प्रोवाइड टू पीपल, इट हैज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट हैज अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड सेट्स ऑफ रूल्स एंड इट्स अफेक्ट्स अदर सोशल सिस्टम, इट हैज वेरियस इंटरैक्टिंग कॉम्पोनेंट्स डिटरमाइनिंग सोशल गोल्स। शिक्षा को सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था के रूप में माना जाता है। क्या माना जाता है, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करो, क्या लिखा है इसमें, शिक्षा को सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था के रूप में माना जाता है। क्यों, यह आवश्यक सेवा प्रदान करता है जो समाज के लोगों को प्रदान करना है,
इसकी एक जटिल संरचना है, इसकी एक अच्छी तरह परिभाषित संरचना और भूमिकाओं के सेट हैं और अन्य सामाजिक प्रणालियों को प्रभावित करता है। इसमें सामाजिक लक्ष्यों को निर्धारित करने विभिन्न अंतःक्रियात्मक घटक हैं। पॉज करिए, अपने से आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर, यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए। पॉज करके आप लोग अपने से सोचिए कि यहाँ पे यदि बोला गया कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है, सब सिस्टम है सोशल सिस्टम का कौन, एजुकेशन। पहले तो इसको याद रखना कि एजुकेशन क्या है, सब सिस्टम है, उपव्यवस्था है। अब आप ये बताइए जो शिक्षा होती है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, इसको हम समझते हैं। इट हैज़ अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड सेट्स ऑफ रूल्स एंड इट अफेक्ट्स अदर सोशल सिस्टम। इट अफेक्ट्स अदर सोशल सिस्टम, हाउ इट अफेक्ट्स अदर सोशल सिस्टम, तो हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था इसमें मेथडोलॉजी हमें पढ़ाई जाती है कि किस तरीके से मेथड्स पढ़ाए जाते हैं, कैरिकुलम होते हैं, कैरिकुलम पाठ्यक्रम होते हैं, फिर उसके बाद एजुकेशनल एम्स होते हैं ना, शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सब चीज़ तो हम पढ़ते हैं शिक्षा में, बिल्कुल पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब हुआ और वो सब हमें क्या चीज़ में उपयोगी होते हैं, यानी कि हम अब आपका यदि सिलेबस भी है तो आपको पढ़ना तो सब है, लेकिन आप पढ़ रहे हो इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ रहे हो, अर्थव्यवस्था के बारे में भी पढ़ रहे हो, आप संविधान के बारे में, पॉलिटी राजनीति के बारे में भी पढ़ रहे हो, आप भूगोल के भी बारे में पढ़ रहे हो, यानी कि ये सब कुछ क्या है, आप अलग 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 पढ़ तो रहे हो, लेकिन उसमें आपको क्या पता चला सामाजिक प्रणालियों के बारे में आपको, यानी कि अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हो कि नहीं, तो इसको पढ़ो, इसकी एक अच्छी तरह से परिभाषित संरचना है, बिल्कुल होती है। शिक्षा की क्या एक परिभाषित संरचना होती है, बिल्कुल होती है, आपका एक डिफाइंड सिलेबस होता है, कैरिकुलम होता है जिसको आप पढ़ रहे होते हो, भूमिकाओं के सेट होते हैं कि किसमें किसको क्या क्या करना है, किसमें किसको क्या क्या, आपके अपने रोल हैं, टीचर्स के अपने रोल हैं, सब कुछ अलग अलग है। यह अन्य सामाजिक प्रणालियों को प्रभावित करती है, क्या ये प्रभावित करती है अन्य सामाजिक प्रणालियों को, इट अफेक्ट्स अदर सोशल सिस्टम, हाँ बिल्कुल करती है, पॉलिटी में इसका अलग रेलेवेंस होता है, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम इसके बारे में अलग चीज़ पढ़ते हैं, हम भूगोल की स्थिति अलग पढ़ते हैं, ये सब जो आप अलग अलग चीज़ें जो पढ़ते हो, इसका मतलब क्या है कि इस वजह से एजुकेशन को क्या बोला गया है, तो सब सिस्टम बोला गया है सोशल सिस्टम का। अब आपको रहना, उठना, बैठना, बात करना कहाँ से सीखे हो, कहाँ से सीखे हो, बोलते ना पढ़े लिखे लोगों का समाज है, क्यों पढ़े लिखे लोगों का समाज बोला गया, सभ्यता की वजह से, उनको क्या आती है, उन्हें सभ्यता आती है, उनको बात करना आता है, उनमें अच्छी अच्छी खासी पर्सनालिटी रहती है, तभी बोला गया, यानी कि ये सब चीज़ें आप कहाँ से जानी, शिक्षा से जानी, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट हैज़ अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड सेट्स ऑफ रूल्स एंड इट अफेक्ट्स अदर सोशल सिस्टम। नेक्स्ट में आ जाए हम लोग, इतना हम डिफाइन करके क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेम चीज़ वही लिखा हुआ है, एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम, जहाँ पे अभी हमने देख लिया कि क्या है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, इसको मैं आपको एक और तरीके से आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि और किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब आप देखो, जब आपने स्टार्ट किया है पढ़ाई अपनी, जब आपने स्टार्ट किया, ठीक है, आप अपने घर से निकल के, आप अपने घर में जो भी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, आप अपने घर में जिस भी पोशाक में रहते थे, यानी कि ओवरऑल हर चीज़ आपका स्कूल में आने से परिवर्तित हुआ, कॉलेज में आने से परिवर्तित हुआ, अब आप जॉब करने के लिए जाते हो, सब कुछ आपका परिवर्तित हुआ, बिल्कुल हो गया, लेकिन आपको अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ी में बात करना, तो आप जब स्कूल भी गए हो तो वो चीज़ को छोड़ोगे नहीं, जब आप कॉलेज भी गए हो तो आप उसको छोड़ोगे नहीं, जब आप काम कर रहे हो तो भी उसको छोड़ोगे नहीं, क्यों नहीं छोड़ोगे, आप भले ही बाकी लोगों से किस में बात करो, हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, लेकिन जहाँ पे आपको पता चल गया कि अच्छा ये भी छत्तीसगढ़ी, मैं भी छत्तीसगढ़ी इन वॉट सेंस, यानी कि इसको भी छत्तीसगढ़ी आती, मुझे भी छत्तीसगढ़ी आती, तो आप उससे किस भाषा में बात करने की कोशिश करोगे, छत्तीसगढ़ी में भाषा बात करने की कोशिश करोगे, तो बिल्कुल बात करने की कोशिश करोगे, यानी कि हम अपने साथ क्या लेकर के आते, जो हमने सीखा है, समाज ने हमें जो दिया है, समाज मतलब लोगों से समाज बनता है,
तो हम उसे कहाँ लेकर के जाते हैं, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के जाते हैं, जाते हैं कि नहीं, इसीलिए उसको क्या बोला गया, उपव्यवस्था बोला गया है। सामाजिक प्रणाली का, सामाजिक क्षेत्र का शिक्षा क्या, एक उपव्यवस्था के रूप में कार्य कर रही होती है, समझो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये वही पूरा लिखा हुआ है जहाँ पे मैंने आपको जो अभी एक्सप्लेन किया है, ये वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। पॉज करके आप लोग इसको रीड कर सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच थिंकर डिमांडेड एबॉलिशन ऑफ क्लासेस डिस्टिंक्शंस, किन विचारकों ने वर्ग भेद को समाप्त करने की मांग की, फासिस्ट ने, पूंजीवादी ने, समाजवादी ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। फासिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, नन ऑफ द अबव। बताइए किन विचारकों ने वर्ग भेद, क्लास डिस्टिंक्शंस नहीं होनी चाहिए। तो क्लास डिस्टिंक्शन कहाँ नहीं होगी, समाज में नहीं होगी। समाजीकरण कौन कौन, किसने ये चाहा कि किस, किन विचारकों ने ये चाहा कि समाज में किसी भी प्रकार का क्लास डिस्टिंक्शन ना हो, वर्ग भेद ना हो, तो समाजवादियों ने चाहा। किसने चाहा, तो समाजवादियों ने, सोशलिस्ट ने चाहा कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, वर्ग भेद नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को मैंने क्या बताया है, आप लोग क्या याद करोगे, रशिया को आप लोग याद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स क्रिएटिंग वन्स ओन सोशल नॉर्म्स, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, अडाप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरमेंट। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ क्या है, अपने स्वयं के सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, हमेशा सामाजिक मानदंडों का पालन करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमसे पहली बात तो पूछा जा रहा है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ बोला गया है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण ये होता है कि आप चाहे जिस भी परिस्थिति में रहें, आप यानी कि सामाजिक वातावरण में आप वहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, अपनी अनुकूल प्रवृत्तियों को ढूंढ रहे हैं, अपने अनुकूल बना लिए और आप में क्या है, समायोजन आ गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ये होता है समाजीकरण, समाज के साथ में रज बस जाना, जो जैसा है वैसा ही आप, यानी कि क्या बताया गया, अडाप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरमेंट। अब आप अपने ऑफिस में गए हो, वहाँ पे आप देख रहे हो हर कोई हिंदी में बात कर रहा है, हर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, तो वहाँ पे क्या आप अपनी भाषा का प्रयोग करोगे, नहीं बात करोगे, आप करोगे क्या, नहीं करोगे। आप कहाँ पे प्रेफर करोगे, जहाँ पे आपको लग रहा है, यानी कि समाज के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, अनुकूल चल रहे हो। अब आपको लग रहा है यहाँ पे जितने मेरे सहयोगी हैं, जो भी मेरे साथ काम करते हैं, मैं जहाँ पे पढ़ रहा हूँ या फिर जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ तो सब मेरी भाषा के हैं, मेरी बोली के हैं, तो आप वहाँ पे क्या प्रेफर करोगे, अपनी अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करोगे, यानी कि आपने अनुकूल बनाया, आपने, आपको हिंदी नहीं आती थी लेकिन आपने सीखा, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सामाजिक वातावरण में समायोजन कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, अडाप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरमेंट। इज दैट क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट है हमारा, एजुकेशन इज द सोशलाइजेशन ऑफ जनरेशन, हु सेड दिस, शिक्षा युवा पीढ़ी का समाजीकरण है, यह किसने कहा है, अगस्त कॉम्टे ने कहा है, एम एल दुर्खीम ने कहा है, एम एस गोरे ने कहा है, या रॉकेट ने कहा है। बताइए किसने कहा है कि शिक्षा जो है युवा पीढ़ी का समाजीकरण है, किसने कहा है बताइए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो किसने कहा है, एम एल दुर्खीम ने कहा है। एम एल दुर्खीम ने क्या कहा है कि जो शिक्षा होती है वो युवा पीढ़ी का समाजीकरण होता है। एजुकेशन इज द सोशलाइजेशन ऑफ यंगर जनरेशन, एजुकेशन इज द सोशलाइजेशन ऑफ यंगर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, हु हैज गिवन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, शैक्षिक समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं किसने दी है, मैक्स वेबर ने, अरस्तू ने, प्रोफेसर डब्ल्यू बी ब्रुकओवर ने, या प्लेटो ने। हु हैज गिवन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, मैक्स वेबर, एरिस्टोटल, प्रोफेसर डब्ल्यू बी ब्रुकओवर और प्लेटो, हु हैज गिवन दिस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहली बात कितने हैं,
बेसिक कॉन्सेप्ट सिक्स है, कितने हैं, सिक्स मूल अवधारणाएं, छह मूल अवधारणा है किसकी, तो शैक्षिक समाज शास्त्र की छह मूल अवधारणाएं हैं। दी किसने है, तो प्रोफेसर डब्ल्यू बी ब्रोक ओवर ने दी है, किसने, प्रोफेसर डब्ल्यू बी ब्रोक ओवर ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षा के विकास में अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है, जिसने शिक्षा और समाज के बीच में संबंध को सारांशित किया है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर टू समड अप द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, बताइए, 1948 में, 1972 में, 1985 में, 1992 में, कब हुआ है, पॉज कर लीजिए, अपने से रीड करिए और उसके बाद में आंसर दीजिए कि क्या होना चाहिए। हमसे बस सिंपल एक ही बात पूछी जा रही, किसने क्या बताया, हमसे ये पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, कब आया ये अस्तित्व में, शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय, शिक्षा के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग कब आया है, तो 1972 में आया है। कब आया, 1972 में आया है। किसके द्वारा लाया गया, तो यूनेस्को के द्वारा लाया गया है, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। और ये क्या है, तो ये जो है शिक्षा के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग है, जिसने किया क्या है, तो इसने शिक्षा और समाज के बीच संबंध को स्थापित किया है, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी को इसने बताया है, जिसे हम और किस नाम से भी जानते हैं, तो हम इसे इंटरनेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। यदि आपसे बोल रहा है कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बोला आपसे, या फिर आपसे बोला गया शिक्षा के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग, तो दोनों ही एक है, बस शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय और आयोग को आपको पकड़ना है, और चाहे और आपको याद क्या रखना है कि इसने बताया क्या है, तो शिक्षा और समाज के बीच में संबंध को इसने बताया है। किसके द्वारा लाया गया, तो यूनेस्को के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह की सामाजिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, और साथ ही वह प्रक्रिया है जिससे बच्चा सामाजिक हो जाता है, या किसने कहा है, सैमुअल कोइनिंग ने, बोल्टोमोर ने, गिडिंग ने, या अगस्त कॉम्टे ने कहा है, एजुकेशन इज द प्रोसेस वेयर बाई सोशल हेरिटेज ऑफ अ ग्रुप इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एज वेल एज द प्रोसेस वेयर बाई द चाइल्ड बिकम सोशलाइज्ड, हु सेड दिस, पॉज करो, रीड करो अपने से, सैमुअल कोइनिंग, बोल्टोमोर, गिडिंग, ऑगस्ट कॉम्टे, किसने कहा है ये चीज कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है, तो सैमुअल कोइनिंग ने कहा है, किसने कहा है, सैमुअल कोइनिंग ने ये शब्द कहे हैं, इस वाक्य को किसने कहा है, सैमुअल कोइनिंग ने कहा है, जहाँ पे हमें याद क्या करना है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है शिक्षा, बिल्कुल की जाती कि नहीं, अब आपके पेरेंट्स जो आपके दादा दादी जो फॉलो कर रहे थे, मम्मी पापा कर रहे हैं फॉलो, उसके बाद मम्मी पापा के बाद आप फॉलो कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की गई शिक्षा, केवल किताबी शिक्षा की बात यहाँ पे नहीं की गई है, आपके पूरे सिलेबस में केवल किताबी शिक्षा नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ज्ञान की, विजडम की बात करी जा रही है हर जगह पे, ठीक है, तो इसको आपको समझना है। फिर उसके बाद में क्या बताया गया कि बच्चा सामाजिक होता है, ये ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या होते हैं, सामाजिक होता है, चाइल्ड बिकम सोशलाइज्ड, चाइल्ड बिकम सोशलाइज्ड कैसे, आपको ग्रुप में रहना आ गया, ग्रुप में रहना आता है, बिल्कुल आता है, आपको बात करना आता है, बिल्कुल आता है, कैसे आता है, आपने सीखा, जाना समाज के द्वारा भी सीखा और साथ में अपने शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से भी आपने सीखा है, ठीक है, तो आप क्या हो गए, आप सामाजिक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्या पूछा जा रहा है हमसे, तो शिक्षा के बहुआयामी कार्यों में शामिल है, क्या शामिल है बहुआयामी कार्यों में, सामाजिकरण, व्यक्तित्व का विकास, या सामाजिक एकीकरण, या उपरोक्त सभी। द मल्टी डायमेंशनल फंक्शन ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स सोशलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, सोशल इंटीग्रेशन, ऑल ऑफ दम, बताइए मल्टी डायमेंशनल फंक्शन क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी कार्य क्या होते हैं शिक्षा के, तो बहुआयामी कार्य एक एक करके देखिए, समाजीकरण आपने सीखा क्या शिक्षा से, हाँ बिल्कुल सीखा, सोशलाइजेशन तो सीखा, आपके व्यक्तित्व का विकास हुआ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ क्या शिक्षा से, हाँ बिल्कुल हुआ है, आप एकदम क्या बोला गया, पढ़े लिखे लोगों का समाज है,
बिल्कुल है, आप क्या है, आप एजुकेटेड पीपल हो, तो यानी कि आपके व्यक्तित्व का विकास हुआ, पर्सनालिटी डेवलप। आप पहले कैसे दिखते थे, आज कैसे दिखते हैं, आप पहले आपके पोशाक कैसे थे, आज आपके पोशाक कैसे, सब परिवर्तित हुए, बिल्कुल हुए। सामाजिक एकीकरण आया क्या आप में, सोशल इंटीग्रेशन आया क्या आपको, मतलब आपके में क्या अभी भी वो भेद ये है कि नहीं ये अलग वो अलग, हमें यानी कि हमने क्या सीखा, तो हमने सीखा अपने स्कूल में कि एजुकेशन के साथ में को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती थी, जिसे हम एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम से भी जानते थे। तो उसमें वहाँ पे क्या बताया जाता था, वहाँ पे डांस, डिबेट्स, सिंगिंग, स्पीच, सब कुछ फंक्शन होते थे, बिल्कुल होते थे। तो वहाँ से क्या सामाजिक एकीकरण आता था, बिल्कुल आता था। वहाँ से क्या टीम स्पिरिट डेवलप हुई क्या आप में, तो बिल्कुल हुई। आप एक व्यक्ति थे, लेकिन जब आप अपने ग्रुप के लिए खेले तो आपको लगा कि मेरी ग्रुप, मेरी टीम जीतनी चाहिए कि आपको ये लगता था मेरी टीम हार जाए, ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ होगा, आपको क्या लगा मेरी टीम जीत जाए। सामाजिक एकीकरण आप में हुआ, ये किसके माध्यम से हुआ, तो शिक्षा के माध्यम से हुआ। तो यानी कि शिक्षा के ये सब क्या है, बहुआयामी कार्य है, मल्टी डायमेंशनल फंक्शंस है एजुकेशन के। इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे 11 MCQs थे इस पर्टिकुलर टॉपिक के, जहाँ पे हमने किया किसमें, शिक्षा और समाज के बीच संबंध के हमने 11 MCQs डिस्कस किए हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा, यदि आपने कुछ सीखा जाना और ये आपकी एजुकेशन में आपको हेल्प किया है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ABO एग्ज़ाम बहुत जल्द निकलने वाला है, बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो ये आपकी, आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो उतना ही, ना जाने किस, एक्सक्यूज मी, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा किसी को ये वीडियोस हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन।